हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी इंडियन डिफेंस में। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ आ रही है अफ़गानिस्तान से। तो अफ़गानिस्तान में एक टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें 4 बॉम्ब वहाँ पे फूटे हैं। अभी तक अफ़गानिस्तान कोरोना वायरस से ही बस जूझ रहा था, इसमें ही अब टेररिस्ट अटैक भी हो गया उनके ऊपर। तो दोस्तों, उनके ऊपर दोहरा मार हो रहा है दोनों तरफ से। एक एक तो अभी उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक भी हो रहा है और कोरोना अटैक भी हो रहा है, तो दोनों से उन्हें कॉमबैक करना है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा एक दुखद घटना हुई है। वहाँ पे 4 जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं और कुछ सिविलियंस घायल भी हुए हैं और कुछ मरे भी हैं। बट अभी तक किसी टेररिस्ट ग्रुप ने इसे अभी तक माना नहीं है कि उन्होंने अटैक करवाया है। जब से यूएसए वहाँ से निकला है, अपनी आर्मी निकाल रहा है, और तभी से ये सब ज़्यादा चीज़ बढ़ गई है। तो अफ़गानिस्तान को अभी अब जब जब से ये और उन्होंने लॉकडाउन को बढ़ाने की कोशिश की और इम्पोज़ कर रहे थे, उसमें ही ये अटैक हो गया। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल घड़ी चल रही है। उनके यहाँ पे हर दिन ऐसे आए दिन अटैक होते रहते हैं, और अफ़गानिस्तान सरकार बहुत ज़्यादा एक कोशिश कर रही है कि किसी तरह इसे रोक दिया जाए। इसी वजह से ही यूएस और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ था कि अभी आगे कुछ कुछ भी अटैक नहीं किया जाएगा एक दूसरे के ऊपर, और यहाँ पे शांति माहौल की जाएगी। बट अफ़गानिस्तान में ऐसा कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है दोस्तों। हर दिन कुछ ना कुछ वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं और सिविलियंस की जान जा रही है। और ये अफ़गानिस्तान में एक कोरोना वायरस भी वहाँ पे भी पहुँच गया है कोरोना वायरस, और वहाँ पे भी केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं। और वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के होने पर, और वो अपने लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं, उस पर भी एक अब टेररिस्ट अटैक होने के वजह से थोड़ी सी अनसेफ नहीं हो गई है कि अब वहाँ पे कैसे अफ़गानिस्तान सरकार उसे देखती है और कैसा बढ़ाती है और ये सब कैसे चलाती है। और उसमें कुछ अभी तक मौत का आंकड़ा बताया नहीं गया है, तो जब भी अगर इसकी न्यूज़ आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको और भी सारी न्यूज़ जाननी होगी तो मैंने एक इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डाल दी है, और इस न्यूज़ की भी एक प्रूफ के लिए मैंने एक नीचे लिंक डाल दिया है अपने डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आप चाहते हैं तो वो पढ़ सकते हैं। वो वायन के थ्रू न्यूज़ आई थी जो अफ़गानिस्तान की है, तो मैंने लिंक दे दिए। और भी बहुत सारे अपडेट्स आ रही है जैसे नेपाल और इंडिया के बारे में, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दूंगा। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर भी कीजिए, अगर शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।